लाइट्स भी लगाई हैं जिला पंचायत ने जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसमें भी खरीद जो इन्होंने की है, जो पहले से खरीद जो मानक थे उसमें बताया गया था कि 13,000 कुछ रुपए की है सोलर लाइट जो लगनी थी। हमने भी कागजों में देखा है कि 20,000 से ऊपर कीमत से लगाई गई, और ये भी जो DPRO पौड़ी हैं खान, उन्होंने पत्र लिखा है सारे खंड विकास अधिकारियों को कि इस बारे में कार्रवाई करें और सूचना भेजें कि कितनी लाइट्स लगी हैं आपके ब्लॉक्स में। तो ये तकरीबन कितना गोलमाल किया है इन्होंने सोलर लाइट की खरीद सर, में? ये सोलर लाइट का मेरे ख्याल से 8 या 9 करोड़ रुपए के करीब की ये सोलर लाइटें जिला पंचायत पौड़ी द्वारा लगवाई गई हैं, लेकिन आप धरातल में इनके द्वारा काम ही नहीं हुआ। टेंडर भी इन्होंने ई पेपर में छपवाए हैं, उत्तर भारत और पेज 3, मतलब वो टेंडर पौड़ी जिला पंचायत में 150 ठेकेदार रजिस्टर्ड है, लेकिन शायद वो 7 या 8 ठेकेदारों के अलावा किसी को पता ही नहीं है वो टेंडर। मैं एक टेंडर के और विशेष तरीके से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये टेंडर है 8/2/2019 का, क्रमांक नंबर इसका ये है। इसमें ये 437 लाइटों का ये टेंडर था। सेम पेपर में ये 8/2/2019 को सेम क्रमांक नंबर पे, लेकिन ये 300 दूसरा टेंडर ये 327 लाइटों का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो ये 327 लाइटें लगाई गई है या 427 लाइटें लगाई गई है, बाकी जो लाइटें वो सारी खाली गई हैं इनके द्वारा। DPRO द्वारा एक लेटर जारी किया था कि 13,500 से ज्यादा किसी भी ग्राम सभा वगैरह में लाइटें नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन मेरे पास सूचना के अधिकार से जो ये मिला है, आप इसमें देख लीजिए कि 19,600 या 500 से कम कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है, और ये लाइट भी बिचौलियों के द्वारा लगाई गई है। ये लाइट पिछले कार्यकाल में 5,000 रुपए की उरेडा के अंतर्गत ये लगाई गई थी, और उस टाइम पे जिला पंचायत सदस्य कार्यपूर्ति का एक सर्टिफिकेट भी देते थे कि जिससे जिसके ऊपर ठेकेदार के ऊपर चेक रहता था कि हाँ भाई हमें जिला पंचायत सदस्य को जवाब देना है तो हम इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है, ठेकेदार केवल बिल बना रहा है, लाइटें लगी या नहीं लगी, वास्तविक निरीक्षण हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके का कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, केवल ये सारा पैसा इनकी जेब में गया है। हमारे तो जांच की मांग है, जांच में पता लग जाएगा। ये 7-8 लोगों का एक इनका मतलब इनके मोडस ऑपरेंडी ऐसे है कि इनके अपने ठेकेदार हैं 7-8, वो 7-8 आदमी ही सोलर लाइटें भी कर रहे हैं, भवन निर्माण भी कर रहे हैं, मस्ट्रोल के काम भी कर रहे हैं, टेंडर के काम भी कर रहे हैं, और उसमें जिला पंचायत के कुछ कर्मी सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से ये टेंडर भी मतलब कभी तो राष्ट्रीय सहारा लखनऊ में छपाए जाते हैं, कभी ई पेपरों में छपाए जाते हैं, दैनिक दैनिक प्रचार प्रसार वाले जो उत्तराखंड के पेपर्स हैं उनमें कहीं पे भी इन टेंडरों का उल्लेख नहीं होता है। तो ये आपसी मेरी भगत के द्वारा इन सब ये सब इसमें सम्मिलित है, इनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। हाँ भाई, हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। जिला पंचायत पौड़ी द्वारा सोलर लाइट्स लगाई गई हैं पूरे जनपद पौड़ी में, और उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपए की जो ये लाइटें हैं ये 12-13 हज़ार की हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा कीमत पे इनको खरीदा गया। और आप ये देखिए कि ये जहरीखाल इलाका है, जहरीखाल ब्लॉक है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उनका होम तहसील है ये, और देखिए किस तरह से ये लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये लाइट एक जंगल में लगाई गई है जहाँ बस्ती ख़त्म हो गई है, जो जहरीखाल की यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पे आवासीय काफ़ी, यहाँ पे हजारों लोग रहते हैं, लेकिन ये लाइट्स नीचे जंगल में लगाई गई हैं।
और कई जगह ये व्यक्तिगत आवासों पर लगाई गई है, सकते हैं कि जंगल में ये लाइटें लगाई गई हैं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपके घर में जो जिला पंचायत पौड़ी है उसने किस तरह से धन का दुरुपयोग किया है। जंगल में सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, व्यक्तिगत आवासों में लाइट्स लगाई गई हैं, और जो इनकी कीमत है 12-13 हज़ार, इससे कई ज़्यादा कीमत पे इनको खरीदा गया है। तो ये प्रदेश के बड़े घोटालों में से है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखो, मुझे इस बात की जानकारी अभी नहीं हुई है कि वहाँ गलत लाइट लगी है या नहीं लगी है, लेकिन मैंने यदि ऐसा है प्रकरण तो मैं जो है खंड विकास अधिकारी को इस मामले में जो हूँ अवगत कराऊंगा, तो उसमें जो है जांच की जाएगी। यदि गलत लगी होगी तो वो लाइट जो है वहाँ से हटाने के आदेश कर दिए जाएंगे।